सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। 72 घंटे के बाद कांग्रेस ने आखिर में सचिन पायलट को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया गया है। उनको जो स्टेट प्रेसिडेंट की पोजीशन उनको मिली हुई थी उससे भी हटा दिया गया, जिसकी जगह गोविंद सिंह को अपॉइंट किया गया। और सचिन पायलट के क्लोज एड और मिनिस्टर विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना, इनको भी कांग्रेस ने उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है। एक तरह से ये इंडिकेट कर दिया है कांग्रेस ने कि शायद उनके दरवाजे अब इन लोगों के लिए बंद हो चुके हैं। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकारों से बात करते समय ये जरूर बोला कि अभी भी बातचीत का दौर हो सकता है, अगर सचिन पायलट चाहें तो वो वापस बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आज पूरी कार्रवाई हुई है, जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग आज 10 बजे होनी थी वो 12 बजे हुई, उससे पहले क्लोज डोर मीटिंग में अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूरा डिस्कशन किया कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या शो कॉज नोटिस इशू करना चाहिए। और इसके बाद ऐसा लगा कि सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी सब ने सचिन पायलट को रीच आउट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वो टस में मस नहीं हुए। तो एक तरह से ये तय माना जाना चाहिए कि सचिन पायलट को अब आगे सोचना होगा उनकी रणनीति क्या होगी। अभी तक जो बातें उभर के आई हैं कि शायद वो अपनी एक नई पार्टी फ्लोट करें या वो बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं। इस पूरे डिसीजन के तुरंत बाद ही उनका एक ट्वीट भी आया जिसमें सचिन पायलट ने बोला है कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। लेकिन अशोक गहलोत जो कि चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के, उन्होंने भी बोला है कि जो पूरे 6 महीने से आ बैल मुझे मार की परिस्थिति बनी हुई थी और फाइनल राजस्थान के हित में उनको डिसीजन लेना पड़ा और इसी वजह से ये कार्रवाई हुई है। अभी भी उन लोगों का ये मानना है गहलोत कैंप का कि उनके साथ 109 MLAs हैं का सपोर्ट है, जो कि आज इस मीटिंग में भी आए हुए थे, और ये संख्या वो कह रहे हैं बढ़ ही सकती है। अब सचिन पायलट कैंप पे सबकी नज़र है, क्या आज वो करेंगे, क्या बीजेपी के साथ कोई मीटिंग होगी या वो इंडिपेंडेंटली जाएंगे। दिस इज नीलम पांडे फॉर द प्रिंट। कीप फॉलोइंग आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।